दोस्तों जडेजा ने बताया कि धोनी जैसा कप्तान जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आता है। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं जडेजा के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 का शुरुआत होते ही होते रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंप दी गई थी। एमएस धोनी को कप्तानी से हटा दिया गया था, या यूं कहें धोनी ने खुद कप्तानी से रेस्ट ले लिया था। ऐसे में रविंद्र जडेजा ने कप्तानी अच्छी नहीं की और जडेजा से कैप्टनसी भी छीन ली गई थी। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन खेल के प्रति उनका सातिर दिमाग आज भी उतना ही तेज है जितना कि वो पहले हुआ करता था। 40 की उम्र होने के बावजूद भी धोनी न सिर्फ बल्ले से रन बनाते हैं बल्कि कमान भी संभाल रहे हैं। आईपीएल 2022 शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी धोनी ने छोड़ दी थी। रविंद्र जडेजा को कप्तानी मिली थी लेकिन टीम खराब प्रदर्शन करती दिखी। अंत में फिर से जडेजा ने धोनी को कप्तानी सौंप दी। लिहाजा टीम की पटरी पर लौटने लगी है और अब भारत के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने बयान देते हुए कहा कि धोनी जैसा कप्तान जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है, जिसकी तारीफें करना शब्द कम पड़ जाएंगे। धोनी ने कप्तानी के रूप में आईपीएल 2022 में 46वें मैच में वापसी की थी। धोनी ने सनराइज हैदराबाद के खिलाफ हुए मैच में चेन्नई को 13 रनों से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अजय जडेजा के अनुसार कप्तानी के तौर पर धोनी की वापसी अब चेन्नई के लिए अच्छी खबर हो सकती है। क्रिकबज पर धोनी के बारे में जिक्र करते हुए जडेजा ने कहा, जब भी सामने धोनी होते हैं तब यह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हमेशा बहुत अच्छा साबित होता है। जब वो भारतीय टीम की कप्तानी करते थे तब भी ऐसा होता था, धोनी अंतर पैदा करना जानते हैं। ऐसे में अजय जडेजा ने आगे कहा कि मैं यही नहीं कह रहा हूं कि उनकी कप्तानी में चेन्नई हर मैच जीतेगी। ऐसा नहीं कि धोनी की कप्तानी में चेन्नई हर मैच हार भी नहीं सकती है। धोनी एक बेहतर कप्तान हैं थे रहेंगे। आपके हिसाब से जडेजा के इस बयान पर आपका क्या सोचना है हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।